नमस्कार दोस्तों, हिमाचली उथंडा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत सी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने आज की डेट में निकाली हैं। ये वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ही खास, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी डिफरेंट न्यूज़ मिलेंगी आपको एक ही जगह पर एक ही वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर हम छोटी छोटी मगर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स टाइम टू टाइम पोस्ट करते रहते हैं, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो भी हम नई वीडियोस डालेंगे वो आपको सीधे आपके फ़ोन पर तभी मिलेंगी जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ आज की इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे HPU के नोटिसेज। HPU ने MSc केमिस्ट्री के लिए जो सब्सिडाइज सीट्स हैं और नॉन सब्सिडाइज सीट्स हैं उनके रिलेटेड कुछ नोटिसेज निकाले हैं। एक्चुअली जो सब्सिडाइज सीट्स है उसकी वेटिंग लिस्ट में से एक या दो नाम इन्होंने निकाले हैं जिनको फीस सबमिट कराने के लिए कहा गया है, जिसको इस नोटिस को मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा फर्दर इस वीडियो में आगे चलकर। नॉन सब्सिडाइज सीट्स के लिए भी उन्होंने स्टूडेंट्स के नाम निकाले हैं जिन्हें काउंसलिंग अटेंड करने के लिए बुलाया गया है, ये भी सर्कुलर मैं आपको दिखाऊंगा आगे चलकर। दूसरी न्यूज़ जो हम कवर करने वाले हैं वो है रीजनल सेंटर धर्मशाला से। रीजनल सेंटर धर्मशाला ने कुछ कोर्सेज का काउंसलिंग शेड्यूल जो है वो अनाउंस किया है, इसको मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊँगा। HPPSC ने भी पब्लिश कर दी है रिजेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर्स। कौन से प्रोफेसर्स की बताई है लिस्ट, ये भी मैं आपको बताऊँगा आगे चल करके। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की है रिगार्डिंग द PG एडमिशंस ऑफ दिस ईयर 2019 की। तो वीडियो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप सबका, तो इस तरह की अपडेट्स जो हैं वो हम डेली बेसिस पर स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं पहली खबर की ओर। तो पहली खबर में हमने कहा था MSc केमिस्ट्री ने एक नोटिस निकाला है, तो वो नोटिस निकाल दिया है आपके सामने, यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिस दिया है 31 जुलाई 2019 का। डिपार्टमेंटल काउंसिल इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 1 जुलाई 2019 विद रिगार्ड्स टू द एडमिशन टू MSc केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर फॉर द एकेडमिक सेक्शन 2019-20 रिकमेंडेड द एडमिशन ऑफ द फॉलोइंग कैंडिडेट्स प्रोविजनली अगेंस्ट सब्सिडाइज सीट्स आउट ऑफ वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट में से सब्सिडाइज सीट्स को भरने के लिए ये नाम निकाले गए हैं, और इम्पॉर्टेंट ये है कि इन कैंडिडेट्स को कहा गया है कि जिनके नाम इस लिस्ट में नीचे हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, कि वो अपनी फ़ीस जो होंगे फ़ीस जो है वो ऑनलाइन मोड में पे करेंगे। HPU यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में www.admissions.hpushimla पर, इस वेबसाइट पर, इस लिंक पर, इस पोर्टल पर जाकर के उन्हें 2 अगस्त तक अपनी फ़ीस डिपॉजिट करानी है 3 बजे से पहले पहले। अगर ये इस टाइम तक फ़ीस डिपॉजिट नहीं कर पाए तो उनकी जो एडमिशन होगी वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट नोटिस जो है कि अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है, कैंडिडेट्स को लगता है कि उनसे पहले किसी और का नंबर आ गया है, उनका आना चाहिए था, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं 1 तारीख तक चेयरमैन को, और उसके बाद कोई रिप्रेजेंटेशन जो होगी वो एंटरटेन नहीं की जाएगी। तो दोस्तों, ये है वेटिंग लिस्ट आपके सामने, MSc केमिस्ट्री की वेटिंग लिस्ट में से जो नाम आए हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं महेश और संदीप कौर, और ये इनके रोल नंबर हैं। रोल नंबर से अपना आप कंफर्म कर सकते हैं स्टेटस, और 2 तारीख से पहले पहले अब आप अपनी फ़ीस जो है वो ऑनलाइन पे कर दीजिए 3 बजे से पहले पहले। अदरवाइज़ आपकी सीट्स जो हैं नेक्स्ट वेट लिस्ट में आने वाले लोगों को दे दी जाएंगी। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, दूसरी अपडेट की ओर। तो दूसरी अपडेट जो हमने कही थी नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए HPU ने ही निकाली है, MSc केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ने ही, जिसमें उन्होंने कहा है कि काउंसलिंग के लिए जाइए 2 अगस्त 2019 को, HPU में जाइए 2 अगस्त 2019 को और काउंसलिंग अटेंड कीजिए सुबह 10 बजे। डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी में आपने जाना है, वहाँ पर वेन्यू क्या है, डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी रूम नंबर 210 ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, आप वहाँ पर जाइए और अटेंड कीजिए ये काउंसलिंग। जो नाम है ये आपके सामने मैंने रखे हैं, आप अपने नाम जो हैं वो देख सकते हैं यहाँ से, अदिति, कल्पना, निकृता, अक्षय कुमार, समीक्षा रानी, स्वाति शर्मा, सुहानी शर्मा, वेंकेश्वर कुमार, शैलजा, वीरता शर्मा, वंदना कुमारी, ऋषिका, हावी शर्मा, स्वाति ठाकुर और शुभम शर्मा, आपके नाम यहाँ पर हैं। और
इसको यहाँ पर पॉज कर लीजिए, आप वीडियो को और अपना नाम अच्छी तरह से देख सकते हैं आप यहाँ पर, या फिर वेबसाइट पर भी, आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी ये नोटिस आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी दूसरी अपडेट। तीसरी अपडेट की बात करें तो जैसा कि हमने कहा था कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र यानी कि रीजनल सेंटर जो कि मोहली खन्यारा में है, धर्मशाला में है, उन्होंने निकाला है एक प्रेस विज्ञप्ति यानी कि एक नोटिस निकाला है जिसमें उन्होंने काउंसलिंग शेड्यूल डिस्कस किया है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र मोहली खन्यारा धर्मशाला में LLB, MA इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, संस्कृत, हिस्ट्री, MSc जियोलॉजी और PGDCA विषयों में शेष खाली सब्सिडाइज्ड और नॉन सब्सिडाइज सीटों को मेरिट के आधार पर भरने हेतु दिनांक 28 जुलाई 2019 तक आवेदन मांगे थे, जिसकी दिनांक 3 अगस्त को काउंसलिंग निर्धारित की गई है। जिन छात्रों ने इसके लिए आवेदन किया है वे दिनांक 3 अगस्त 2019 को रीजनल सेंटर खन्यारा धर्मशाला के कार्यालय में सुबह 10 बजे सभी दस्तावेजों सहित काउंसलिंग के लिए उपस्थित हो सकते हैं। तो दोस्तों LLB, MA इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, संस्कृत, हिस्ट्री, MSc जियोलॉजी और PGDCA इन सब्जेक्ट्स के लिए जो खाली रह गई थी वैकेंसीज या पोस्ट या हम कह सकते हैं सीट्स, उनके लिए आवेदन इन्होंने मांगे थे 28 जुलाई तक। जिन जिन लोगों ने आवेदन किए हैं वो 3 अगस्त 2019 को रीजनल सेंटर के ऑफिस में पहुँच जाएँ और अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएँ और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। तो ये इम्पॉर्टेंट था, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी आप सबके लिए, इसलिए मैंने इसको लिया है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी वो उनके लिए था कि फाइनली रिजेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर के लिए जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया था तो उनके फाइनली रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आ गई है। आप HPPSC हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाकर के इस लिस्ट को डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपका नाम कहीं रिजेक्टेड लिस्ट में तो नहीं आ गया है। तो दोस्तों ये लिस्ट मैं नहीं दिखा रहा हूँ, या आप जाकर के HPPSC की वेबसाइट पर जाकर के देख लीजिए। तो नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। तो अगली खबर हमने कही थी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने की हैं कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स रिलेटेड टू द एडमिशंस फॉर द सेशन 2019-20। तो यहाँ पर ये अनाउंसमेंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट CU हिमाचल, जब आप गूगल पे टाइप करेंगे CUHPV1 टाइप करेंगे तो वहाँ पर अनाउंसमेंट सेक्शन में जाकर के इन फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं जो आपसे रिलेटेड है। तो प्रोविजनल 5th सिलेक्शन लिस्ट एकेडमिक सेशन फॉर बी वोकल बैचलर ऑफ वोकल FMS, इसके लिए आप देख सकते हैं 5th सिलेक्शन लिस्ट आ गई है। सिमिलरली बी वोकल MC के लिए आ गई है एक 5th सिलेक्शन लिस्ट, और 5th सिलेक्शन लिस्ट एकेडमिक सेशन 2019-20 MA संस्कृत की भी निकली है। तो जिन लोगों ने अप्लाई किया था वो देख लें इसमें उनका नाम आया है या नहीं। और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी आई है MA इंग्लिश के लिए सिलेक्शन लिस्ट निकाली है इन्होंने, और 7th सिलेक्शन लिस्ट निकल गई है MA इकोनॉमिक्स की। जिनके नाम इनमें हैं वो देख लें क्या टाइम और वेन्यू है उनका काउंसलिंग अटेंड करने का या फिर फीस पे करने का, वो करें पे। यहाँ पर एक और जो है 6th सिलेक्शन लिस्ट आई है एकेडमिक सेशन MBA TT की, टूर एंड ट्रेवलिज्म की। वहाँ पर आप अपने नाम देख सकते हैं 6th सिलेक्शन लिस्ट में आपके नाम आए हैं या नहीं आए हैं। और 6th सिलेक्शन लिस्ट ही इन्होंने निकाली है MSc एनवायरमेंटल साइंसेज की, और 5th सिलेक्शन लिस्ट भी निकली है MSc एनवायरमेंटल साइंस की। तो 5th सिलेक्शन लिस्ट के बाद ये पुरानी न्यूज़ है, इसके बाद 6th अब निकल गई है तो आप देख सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो मुझे लगा कि आपको बता देनी चाहिए। अलग अलग वीडियोस जो है बनाना पॉसिबल नहीं था और इसीलिए एक ही जगह पर मैंने इंपॉर्टेंट अपडेट्स की वीडियो बना दी है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो कंसेप्ट तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको लगता है कि हमें अलग अलग वीडियोस ही बनानी चाहिए तो भी आप ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें